स्वागत है आपका एक बार फिर लपेटे में नेताजी में। आज जिन नेताजी को लपेटने की कोशिश होगी वो उस पार्टी से हैं जिसने सब कुछ लपेट लिया है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, सब कुछ तो लपेट लिया आपने, अब आपको कैसे लपेटा जाए? अब ये तो आपका आपका विचार करने का विषय है। वैसे हम कोई चीज लपेट नहीं रहे हैं, हम तो समेट रहे हैं। जो कुछ फैलाया गया था पिछले लंबे समय से, दो तीन पीढ़ी से, उसको अभी समेट रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि प्रेम की जो बात कर रहे थे, वो ढाई अखर प्रेम का ढाई सीटी लेके बैठ गए। अब देखिए, मैं वो तो नहीं कहना चाहता, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में कहते हैं कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती। सियासत में जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो यानी कि मेरे भी बस की नहीं है, अब कवियों पे ट्रांसफर करते हैं आपको लपेटने की जिम्मेदारी। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सुनील साहिल, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार और मेघ श्याम मेघ। लंबे समय के बाद आप लोगों से भेंट हो रही है। लंबे समय के बाद वो कह रहे हैं भेंट हो रही है, तो सरदार जी जिम्मेदारी बड़ी है आपके ऊपर। भाई आप अब जीत करके आए हैं तो हमें तो बधाई देनी थी। अब पहले एडवांस में बधाई देते, फिर आप अभी आपने शेर पढ़ा कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाद में पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपके लिए पहले तो जीत की बधाई है, आपकी मेहनत रंग लाई और खूब ईडी चिट्ठी का जोर लग ही गया। तो आपको बधाई, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आपकी जीत की बधाई में इस रूप में दूंगा कि लोग हारे क्यों। वाह, मेनली तो उत्तर प्रदेश में सपा हारी है, तो मैं वहीं से शुरू होता हूँ। जाट गुजर ओबीसी सबको मिलाया साथ, जाट गुजर ओबीसी सबको मिलाया साथ, MBI योजना में कोई खोट रह गया। MBI मुस्लिम यादव, MBI योजना में कोई खोट रह गया, और सत्ता से पहले ही घमंड सर पे चढ़ा तो, सत्ता से पहले ही घमंड सर पे चढ़ा तो यही होगा अंजाम, रावण भी कह गया। वैसे बीच में डिस्टर्ब कर दूं आपको? नहीं सर, मेरी पूरी हो जान दो। अब जीत की इतनी बड़ी सेलिब्रेशन भी मत करो। कि जयंत राजभर स्वामी और सैनी से किया, जयंत राजभर स्वामी सैनी से किया, कागजी गठबंधन था कागजों पे ही रह गया। और अब समर्थन मुझे ज्यादा चाहिए। कागजों पे ही रह गया, और किला तो बना था पर ताश के पत्तों का था। किला तो बना था पर ताश के पत्तों का था, लाभार्थी योजना से भरभड़ा के रह गया। तो सर ये जो धुमचल्ला है, इसमें दो बातें हैं, ये आपके लिए व्यंग भी है और उनके लिए भी है। सुने के घर बैठे ये लगे रहे ना विपक्षी, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो घर बैठे रोटी मिलती है तो रोजगार क्या मुद्दा, भाई रोजगार काहे के लिए मांगता आदमी। तो घर बैठे वो मिलता है ना राशन, घर बैठे रोटी मिलती है तो रोजगार क्या मुद्दा,
और फोन और कंप्यूटर ले लेंगे अब इंटर करके दद्दा। जो आपने कहा ना, उनसे जानते हैं कौन कह गया था, उस सपने में भगवान दिखे थे ना। अब क्या बताए कि वो कहे कि कृष्ण जी दिखे हैं, और कृष्ण जी क्या बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये बताए नहीं पूरी बात। नहीं, कृष्ण जी ये बताते हैं, और कर्मण्डे वा अधिकारस्ते मा फले सुखदाचना। नहीं, आपको भी बताएं क्या हुआ गलती, जो उस समय कौरवों के समय में दुर्योधन ने की थी, वही गलती अखिलेश जी से हो गई। भगवान कृष्ण तो गए थे दुर्योधन के पास भी, और कहे थे भाई दो विकल्प हैं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी यादवी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने कहा मैं सेना लूंगा। सेना उन्होंने ले ली, भगवान हमारी तरफ थे, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, तो भगवान हमारी तरफ थे। वैसे एक लाइन और मैं आप लाइटर नोट पे बोल दूं, बहुत गंभीर नहीं है। बहुत दिनों चला था ना यूपी में, यूपी में काबा, अब तो दिख गवा ना कि काबा। तो काबा स्थिति ये थी कि हाथी तो गिराए बा, और पंजा बिखराए बा, और बबुआ बौखलाए बा, और बाबा का भौकाल बा। जो आपने कही ना हाथी तो गिराए बा, एक दो पंक्तियां मैं भी आपको बता रहा हूं आपकी जीत में शामिल होने के लिए। हाथी ने अपना प्राण दान दे दिया। हाथी ने अपना प्राण दान दे दिया, भाजपा को पूरा सम्मान दे दिया, और यूपी की जनता ये याद रखेगी कि बसपा ने अपना बलिदान दे दिया। बलि का हाथी तो, बलि का तो बकरा होता है। इस पर जो इन्होंने बात कही, इस पे एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इन्होंने अच्छी बात कही कि बलि का बकरा ही क्यों होता है। वो श्लोक ये है कि अश्वम नैवम गजम नैवम, यानी घोड़े की बलि बहुत रेयर केस में दी जाती, नहीं दी जाती है। हाथी की बलि कभी नहीं दी जाती। व्याघ्रम नैवम नैवचा, कभी शेर की बलि दी ही नहीं जाती है। अश्वम नैवम गजम नैवम व्याघ्रम नैवम नैवचा अजह पुत्र, अजह कहते हैं बकरे को, अजह पुत्र बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घात का। दैवो दुर्बल घात का तो सुना होगा ना, पूरा श्लोक नहीं सुना होगा। दुर्बल की बलि दी जाती है। इसलिए शक्ति अर्जित करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से शक्ति तो सर आपने बहुत बढ़िया अर्जित की, अभी हमने देखा भी खूब सारी शक्ति अर्जित हो रही है। हाँ, उत्तराखंड में भी बहुत अद्भुत स्थिति बनी आपकी। एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि उत्तराखंड में बीजेपी ने तो लठ धर दिया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर का, जो हारा वही सिकंदर कर दिया। फिर प्रश्न है, अगर हारे हुए का ही नेतृत्व देने का संकल्प पूरा है, फिर हारी तो कांग्रेस भी है, फिर उन्हें सरकार बनाने देने का आइडिया कौन सा बुरा है। आइडिया कौन सा बुरा। अच्छा, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। अब आप कहेंगे कि जनादेश मिला है, अब आप कहेंगे कि जनादेश मिला है, प्रदेश में कमल का फूल खिला है, पर आपने जनादेश के खेत में अपनी पसंद का पौधा रोप दिया, जनता ने जिसे नकारा उसी का नेतृत्व उन पर थोप दिया। उसी का नेतृत्व उन पर थोप दिया। अगर जनता उनका नेतृत्व चाहती तो चुनाव में उनको जिताती, किंतु यह निर्णय तो पार्टी का संख्या बल के आधार पर रहा है। धामी जी के सीएम बनने में जनादेश का सम्मान कहां है। दो लाइन है, जनादेश का सम्मान कहां है। जीत का जश्न तो आप मना रहे हैं, किंतु हारे हुए को जीते हुए की कैटेगरी में ला रहे हैं। आपके हिसाब से आपने जो किया वो सही है,
परंतु इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में धामी जी के अलावा मुख्यमंत्री बनने का कोई चेहरा और नहीं है। लोकतंत्र में, अब सीरियस एक बात कहता हूं सर, लोकतंत्र में तो जनता अपने पसंद का नेता चुनती है, सरकार अपने हिसाब से बुनती है, पर यहां तो आपने भी अद्भुत उदाहरण पेश किया है, हारे हुए को कुर्सी देने का अब जस्टिफिकेशन क्या है? आपने जो उदाहरण दिया है शायद 10 महीने पहले की ही बात भूल गया है। धामी तो याद है, दीदी नहीं याद है का? तो जबकि धामी तो युवा नेता है, अभी पहली बार आए हैं, दीदी तो इतनी पुरानी है। फिर भी कारण यह है कि अगर किसी कैप्टन के नेतृत्व में हम मैच खेलते हैं और कैप्टन कम रन पे आउट हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कैप्टन की कैप्टेंसी के ऊपर सवाल है। हाँ, यदि धामी जी मुख्यमंत्री नहीं होते पहले और तब वो हारे हुए व्यक्ति को हम देते तो ये बात आती कि जनता ने नकारा, परंतु उनके नेतृत्व में तो पार्टी को स्वीकारा। उस जगह पे कुछ परिस्थिति ऐसी थी जैसा ममता दीदी के साथ भी हुआ था, तो इसमें कोई वैसी गंभीर बात नहीं है। ईमानदारी से पार्टी ने यह विश्वास दिया कि यदि कोई अपने क्षेत्र की चिंता किए बगैर भी पूरे प्रदेश के लिए सतत संघर्षशील रहेगा तो वो उसको उसका पारितोषिक मिलेगा। इसमें मैं एक सीरियस बात भी बताना चाहता हूँ। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने 2017 में तो दूसरे दिन ही बिजली विभाग के अधिकारी आए उनके पास, कहा सर ये एक फाइल है साइन करने के लिए। तो उनसे पूछा गया किस बात की फाइल? सर वो गोरखपुर को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा ये किस नियम के तहत? कहा सर वो होता है, VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमेशा से होता आया है, CM कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24 घंटे बिजली सप्लाई। तो योगी जी ने कहा मैं गोरखपुर का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का हूँ। जिस दिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना बना लीजिएगा उस दिन फाइल लेके आइएगा और 2-2.5 महीने के बाद उसी बिजली विभाग के कर्मचारी उस अधिकारी वो योजना बना के लाए कि यूपी में सारे जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। तब उन्होंने फाइल साइन किया और 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई। यह सोच में अंतर। सुधांशु जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, इतना पसंद करता हूँ जैसे केजरीवाल को कुमार विश्वास। कुछ वन लाइनर सुनाता हूँ कि मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया से 29 एंटिक्स की भारत वापसी करवाई है, बड़ी अच्छी बात है। अब समय आ गया है कि वे इटली की धरोहर भी वापिस कर दें। अच्छा है, अच्छा है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2024 से पहले भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। वो तो शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बाइडेन के गालों जैसी होंगी। राजनीति में ऐसा कहने की परंपरा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उड़ने वाली बसें चलाएंगे, बसें तो नहीं चला पाए लेकिन साइकिल जरूर उड़ा के दिखा दी। ये विनीत पांडे के बेटे को मैं लखनऊ म्यूजियम घुमाने ले गया तो वह जिद करने लगा, रोने लगा कि मुझे कांग्रेसी विधायक दिखाओ। फिर मैंने उसको बसपा विधायक दिखाकर शांत किया। वो लड़का देखने लड़की वाले गए तो पूछा कि लड़का क्या करता है? वो बोले जी बर्तन बेचता है। तो बोले किस बाजार में दुकान है? वो बोले दुकान वुकान ना है, घर के ही बेचता है। इस घटना का पंच अब सुनो, इस घटना का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। एक कांग्रेस विधायक ने ट्वीट किया कि 2023 में कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में क्या फेफड़ों से कहा था? कांग्रेस के एक विधायक ने बसपा के दो विधायकों को कहा
कि यार हम तो बस में बैठकर रिजोर्ट जाने लायक भी नहीं रहे। तो बसपा विधायक ने उनको एक शेर सुनाया, दादा स्वागत है, कि तेरा तेरा हाथ मेरे हाथी के जख्म सीकर जाएगा। अच्छा, तेरा हाथ मेरे हाथी के जख्म सीकर जाएगा, निमंत्रण शपथ का कोई हमें भी देकर जाएगा। निमंत्रण शपथ का कोई हमें भी देकर जाएगा, चिंता ना कर किस्मत पे भरोसा रख, आएगा कोई शाह हमें लेकर जाएगा। ये बहुत बदमाश है भाई साहब। जी देखिए, जो इन्होंने कहा वो तो अब दिन लद गए। अच्छा, देखिए हर जगह स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। हाँ, तो शाह जी ने जो दिखाया है ना, वो तो जब जरूरत थी, हम लोगों की तरफ एक लखनऊ में कहावत होती है, आप लोगों ने सुना हो जाए, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाकते उड़ाया करते। तो इसलिए अब देखिए जनता जिसको दे रही है, चाहे हमारे पक्ष में दे रही है या विपक्ष में भी दिया है, जिसको दिया है जम के दिया है। लेकिन सर वो विधायक जो रिजॉर्ट में इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा? जाने का मजा कर रहे हैं। सर आपने कहा बहुमत सब तरफ